हेलो दोस्तों। अरे शिनचान क्या हो गया यार, तू अपनी इंट्रो की लाइन भूल गया क्या? इतना चुप क्यों हो गया एकदम से? अरे शिनचान इंट्रो करना है, जल्दी से बोल अपनी लाइन। ओए शिनचान वीडियो स्टार्ट करनी है तो टॉयलेट में क्यों जा रहा है? हाँ अब ठीक है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी एक और नई इंट्रो की। अरे दोस्तों मुझे पीछे से कौन मारे जा रहा है? ओए ये क्या, ये तो पपीता अपने असली घर में बैठा हुआ है। ए बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। ओए चुप कर, पहले तू मुझे ये बता, तू अपने असली घर में नहाने गया था ना? नहीं मैं तो तुम्हारा टॉयलेट तोड़ने आया था, लेकिन मैं गलती से फिसला और मैं तो ये टॉयलेट के अंदर ही फंस गया। मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, निकालो मुझे जल्दी से। ओए क्या दिन आ गया, मुझे पॉट में गिरे हुए बदबूदार कीड़ों को भी निकालना पड़ेगा। ए निकालो मुझे जल्दी से। ओए ये ले। ए ये क्या है, बंद क्यों कर दिया, निकालो मुझे। ओए सॉरी सॉरी, गलती से बंद कर दिया, ये ले मैं तुझे फ्लश कर देता हूँ। अरे यार अब ये मसाओं का चला गया। ओए और कहीं जा सकता है ये गंजा, जब देखो टीवी के सामने मरा रहता है। अरे भाई कितना टीवी देखेगा? अरे यार वो एक्शन का मिन का एपिसोड आ रहा था इसलिए मैं देख रहा हूँ। ओए टकले कितना टीवी देखेगा, लिटरली दिन के 24 घंटे यहाँ पे मरा रहता है टीवी के सामने। और अब तो भाई टीवी भी थक चुका है तुझे दिखाते दिखाते, भाई कितना देखेगा? तेरी आंखें तक नहीं बची है, तेरी आंखें बिंदु बन चुकी है, बेशरम अभी तक टीवी देख रहा है। हाँ यार, और ये तो पता नहीं क्या देखता रहता है, लिटरली बचपन से एक्शन कामिंग का एक ही एपिसोड देखे जा रहा है, पता नहीं कितनी बार देखेगा। और इसके वजह से टीवी का बिल भी हमें भरना पड़ता है यार, कैसी गंदी गंदी सी आवाजें आ रही है। अरे यार दोस्तों बाहर से कहीं से तो आवाजें आ रही है। अबे कैसा तू तेरे बाबा, छुट्टा नहीं देता, छुट्टा दे दे, छुट्टा दे दे। अबे घोड़े तू तो छुट्टा दे दे रे बाबा। ओए कीड़े अब तू यहाँ पे कैसे आ गया? अरे मैं तो यहाँ पे सबसे छुट्टा मांग रहा था रे बाबा। अरे तेरे पास छुट्टा है तो तू दे रे रे बाबा, छुट्टा दे दे। ओए नहीं है मेरे पास छुट्टा, कितनी बार बताऊं। अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गया था, तू तो गरीब है। ए तू यहाँ पे क्यों आ रहा है? अरे बबी तो तू भूल गया क्या, ये तो मेरी जगह है रे बाबा, मैं तो यहीं पे खड़े होऊंगा। अरे वो सब तो ठीक है रे बाबा, तुझ में से इतनी गंदी बास क्यों आ रही है? ओए बास तो आएगी ना, क्योंकि मैंने इसको पॉट में फ्लश कर दिया था। अरे दोस्तों ये देखो मेरे शीरों को तो भीख मांगना आ गई, देखो यार वो तो बार बार बोली जाता है भीख दे दे यार, कोई इसको भीख दे दो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार, साइंस के हिसाब से तो यार ये डॉग्स को इंसानों की तरह बोलना नहीं आता। ओए पजामे तेरी साइंस झूठी है। अरे भिकोशी तू यहाँ कैसे आ गया? ओए ये क्या, सारे भिखारियों को यहाँ पे क्यों आना था? अच्छा तुम लोग भी भिखारी हो, मैं दुनिया का सबसे अमीर भिखारी हूँ रे बाबा। अरे छुट्टा दे दे रे बाबा, दे दे रे बाबा, छुट्टा दे दे, दे दे, छुट्टा दे दे, छुट्टा दे दे, छुट्टा दे दे। ओए चुप करो, क्या छुट्टा बीक लगा रखा है तुम लोगों की जिंदगी में, कोई काम नहीं है क्या? हमारे कान फाड़ दिए हैं। अबे हरी उल्टी मैं प्रोफेशनल भिखारी हूँ, भीख मांगना ही मेरा काम है, जाके अपनी उल्टी कर, मैं तो भीख ही मांगूंगा। ओए चुप कर। अरे यार खजामा यार आधे से ज्यादा एपिसोड खत्म हो चुका है यार, तूने अभी तक आज का काम ही नहीं बताया यार। अरे हाँ यार ये काम चोर खजामे की तो सैलरी काट देनी चाहिए। और चुप कर, तेरी सैलरी सबसे ज्यादा काटनी चाहिए, तू दुनिया का सबसे बड़ा काम चोर है, टीवी के सामने मरा रहता है 24 घंटे कीड़े। अरे यार दोस्तों भूल गए क्या यार, आज हमें सेकंड फ्लोर बनाना था, हमारे घर का बेडरूम बनाना था हमें यहाँ पे। हाँ यार मुझे याद है, आज तो हमें बेडरूम बनाना था। ओ यार एकदम मस्त वाला बेडरूम बनाएंगे। हाँ यार दोस्तों ये देखो यार, हमें ये वाली जगह में हमारा बेड बनाना है। दोस्तों ये देखो यार, मैंने तो यहाँ पे बेड रख दिया है। ओए पजामे पागल है क्या, इतना छोटा सा बेड रखा है, इसमें मैं क्या, इसमें तो गंज का टकला भी नहीं फिट होगा। ए पागलो तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है क्या, माइनक्राफ्ट में इससे बड़ा कोई बेड नहीं होता। ओए चुप कर पपीते, माइनक्राफ्ट का सबसे छोटा बेड भी तेरे वो सड़े हुए पॉट से तो बड़ा ही होगा। अरे जैक भाई ये देखो यार, मैंने हमारे आपके लिए बेड को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ओए बजा में ये तूने कैसे किया, तू चीटर हैकर है क्या, ये कैसे किया तूने? अरे मोल मड़े, अरे बाबा तुम लोगों ने तो बड़ा बेड बना दिया, अब मैं जब भी छुट्टे मांगते मांगते थकूंगा यहीं पे आके सोऊंगा रे बाबा, अभी मैं थका ही हुआ था, चलो सो जाता हूँ रे बाबा। ओए ये क्या बदतमीजी, हमारे बेड में हमसे पहले ये खराटे मार मार के कैसे सो रहा है? अबे उठ यहां से, मेरे को भीख मांगते मांगते ज्यादा थकावट हुई थी, इसलिए बेड पे तो मैं ही सोऊंगा रे बाबा। ओए यार बेड बनानी है, पहले ही भिखारी आ भी गए यहाँ पे सोने के लिए। यार पजामा ये कैसा घटिया सा बेड बना रहा है तू? अरे यार यहाँ पे मैं सोच ही रहा था यार कैसे बनाना चाहिए, ये स्लैब सही नहीं लग रहे यार, मुझे 2 मिनट दे दो, मैं इसको थोड़ा सुंदर बना लेता हूँ। ए मैं ज्यादा थक गया था, मैं सोने जाऊंगा। ओए पपीते हट जा, तू तो हमारे बेड पे कदम भी मत रखियो, अगर तू हमारे बेड पे सो गया ना तो फिर हम कभी नहीं सो पाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी फिर हमारे बेड में पॉट की बास आती रहेगी।
दोस्तों ये देखो यार, मैंने यहाँ पे फ्लोर चेंज कर लिया और मैंने पिल्लो का कलर भी चेंज कर लिया। अब देखो यार, अब बेड थोड़ा ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। हाँ यार, अब थोड़ा मस्त लग रहा है यार। अब यहाँ पे सोएंगे तो मजा ही आ जाएगा। अरे रोने वाले बच्चे, तू भी खुश है ना? हाँ, मैं ही भी खुश हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी। अरे भी खुशी, मैं तो तेरा ही भाई हूँ रे बाबा। याद नहीं हम बचपन में घूम के मेले में खो गए तेरे बाबा? अरे तुम दोनों भाई हो। अरे हाँ रे बाबा, मुझे तो अच्छे से याद आ गया। अरे बाबा, बचपन में मैं और ये भी खुशी ना घूम के मेले में गए थे। वहाँ पे मैं सबसे छुट्टे मांग रहा था और ये सबसे भीख मांग रहा था। अरे बाबा, अरे फिर होना क्या था? अरे बाबा, ये भिखोशी एक आदमी से भीख मांगते मांगते मुझसे कहीं दूर चला गया और मैं भी किसी आदमी से छुट्टे मांगते मांगते कहीं दूर चला गया। फिर हुई वो बात और फिर मुझे बहुत दुख लगा। रे बाबा, ओए अच्छा, आज फिर जब तुम दोनों खो गए थे इसलिए तुझे दुख लगा था ना? अरे नहीं रे बाबा, अभी खुशी खोया था इस बात की तो मुझे बहुत खुशी हुई थी रे बाबा। लेकिन मैं जिस आदमी से छुट्टे मांग रहा था उसने मुझे छुट्टा नहीं दिया, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ रे बाबा। अरे अब तुझे असली में रोना क्यों आ रहा है? ओए लगता है इतने सालों के बाद अपने भाई से मिला ना, इसलिए खुशी के आंसू निकल रहे हैं इसके। अरे नहीं रे हरी उल्टी, तू तो हमेशा गलत ही बोलता है। यार मैंने ये छुट्टे वाले की शक्ल देख ली ना, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मुझे दुख के मारे रोना आ रहा है बाबा। अरे यार कसम, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यार कुजामा, तूने ये दीवार क्यों बना दी है? ओए पता नहीं, लगता है ऊपर भी वॉशरूम बना रहा है। अरे नहीं यार, मैं टॉयलेट नहीं बना रहा यार। ये देखो यार, यहाँ पे ना सामने खिड़की थी यार, मुझे यहाँ पे टीवी बनाना था इसलिए यार मैंने यहाँ पे दीवार बना दी और फिर यहाँ पे टीवी बना देंगे। दोस्तों ये देखो यार, मैंने टीवी बना दिया। ओए पजामे, तू काम चोर तो था ही, अब तू कंजूस भी हो गया क्या? इतना छोटा टीवी क्यों बनाया? तुझे पता है यहाँ पे टीवी मैं देखूंगा भाई, बहुत बड़ा टीवी चाहिए मुझे। अरे जैक भी अब सही है। ओए हाँ भाई, अब टीवी थोड़ा बड़ा हो गया, अब आएगा ना मजा, फुल वॉल्यूम में टीवी देखूंगा मैं यहाँ पे पूरी रात। एंड से ये एंड्रॉइड ले आया था, ये यहाँ पे लगाएंगे तो सही लगेगी ना? अरे बहुत बढ़िया यार, वो ये तो बहुत सुंदर लग रही है। अब तो हमारा घर तो कुछ ज्यादा ही मस्त लग रहा है। ओ, ये तो हमारा खुद का पर्सनल पिक्चर हॉल बन गया भाई, मजा आएगा, पूरी रात यहाँ पे बैठ के टीवी देखेंगे। ए, मैं देखूंगा टीवी। और तू टीवी कैसे ही देखेगा, तेरे सड़े से पॉट में तो टीवी ही नहीं है, जाके अपने पॉट में रह, निकल यहाँ से। अरे दोस्तों ये व्हाइट दीवार भी सही नहीं लग रही है, और इसको भी किसी ब्लॉक से चेंज कर देते हैं। हाँ यार अब तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, लेकिन यार ये खाली दीवार अच्छी नहीं लगेगी, यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सामान भी रख देते हैं। अरे दोस्तों मैं क्या कहता हूँ, हमारा ये आर्मर स्टैंड है ना, इसको भी वहाँ पे रख लेते हैं। मैं हमारे ये वाले घर से आर्मर स्टैंड और सारा आर्मर लेके जा रहा हूँ। और ना थोड़े से ना वो भी बना लेते हैं, लैंटर्न सुंदर लगेगी। हाँ ठीक है दोस्तों, ये देखो मैंने थोड़ी सी लैंटर्न भी बना ली। दोस्तों नए कमरे में हमारा ये आर्मर कैसा लग रहा है? बहुत बेकार लग रहा है, और तेरी शक्ल से तो अच्छा ही है कलुए। अरे ये देखो, ये लोग छुट्टा तो देते नहीं है, नेदरराइट का आर्मर रख रखा है। चलो यार इनका नेदरराइट का आर्मर चुरा रहे दे रहे बाबा। ओए पागल है क्या, हमारे आर्मर चुरा, निकल यहाँ से कीड़े। दोस्तों मैंने थोड़े से आइटम फ्रेम्स भी बना लिए, इसमें ना हम यहाँ पे हमारा सामान टांग के सजा देते हैं। अरे छुट्टा दे दे रहे बाबा, छुट्टा दे दे रहे बाबा। ओए यार हम सबके पास छुट्टा नहीं है, अब किससे छुट्टे मांग रहा है? अरे वो जमीन पे चीटी चल रही थी, मैं तो उससे छुट्टा मांग रहा था रे बाबा। अरे क्या बोला तूने, जमीन पे चीटी चल रही है? कहाँ पे चीटी? चीटी भीग दे रे बाबा, चीटी भीग दे दे। अरे नहीं रे चीटी, ये छुट्टा दे दे रे बाबा, छुट्टा बेस्ट होता है, चीटी छुट्टा दे। अरे नहीं चीटी, छुट्टा बकवास होता है, मुझे भीग दे चीटी। अरे छुट्टा दे दे बाबा, छुट्टा दे दे, छुट्टा दे, छुट्टा दे। ओए चुप कर जाओ भिखारियो। अरे भिखारी मैं हूँ रे बाबा, ये भिखारी नहीं, ये तो छुट्टा मांगता है। ओए वो जो भी हो कीड़ो, तुम्हारे भीख मांगने के चक्कर में ना लिटरली चींटी को डिप्रेशन हो जाएगा, चुप कर जाओ। है बड़ा स्टाइल मार रहे थे, कितना घटिया टीवी है तुम्हारा, तुम्हारा टीवी तो चलता भी नहीं है। और ये क्या पजामे टीवी क्यों नहीं चल रहा? अरे यार वो मेरे पास इसका भी एक तरीका है, अगर हम यहाँ पे पेंटिंग बनाएंगे ना तो ये टीवी भी चलने लग जाएगा। ये कुछ भी ज्यादा नहीं हो रहा, माइनक्राफ्ट में टीवी भी नहीं होते। और तू चुप रहा, पजामा कह रहे ना तो जरूर कुछ होगा। और ये देख हमारा टीवी तो चल पड़ा कीड़े, अब बोल ये क्या तुम लोगों ने? और यार बस इस टीवी में एक गड़बड़ा है, इस टीवी में ना सिर्फ एक ही सीरियल आता है जिसमें ना ये दोनों बंदे लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। मैं इतने सालों से वेट कर रहा हूँ लेकिन ये दोनों लड़ी नहीं रहे। अरे कोई बात नहीं चेंगे, आप टीवी देखते रहो, ये कभी ना कभी तो लड़ेंगे ही। अरे यार लेकिन कोजामा तूने ये कमरा तो बहुत सुंदर बना दिया यार। ओए हाँ यार मुझे तो ये कमरा बेस्ट लगा और ये टीवी भी बेस्ट है। अरे बहुत बढ़िया यार, अब मैं टीवी देखूंगा। ओए चुप रहे गंजे, ये वाला कमरा तेरा है, तू यहाँ पे टीवी देखियो। अरे बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे भी बड़ा टीवी है, मैं यहाँ पे शांति से हमारा वो ये वाला पुराना वाला एक्शन का मिन का एपिसोड देखूंगा। ओए नहीं तू यहाँ पे टीवी नहीं देख सकता, क्योंकि ये वाला तो हमारे टीवी का पीछे वाला हिस्सा है, मतलब तू यहाँ पे कभी टीवी नहीं देख पाएगा। ओए अरे छुट्टा दे दे रे बाबा। ओए घर तो बहुत सुंदर दे दे रे बाबा। ओए वो अरे बोला ना कंजूस, छुट्टा दे दे। ओए अरे छुट्टा दे दे, छुट्टा दे दे, छुट्टा दे दे, मैंने पहले बोला मुझे छुट्टा मिलना चाहिए। ये तो चीटिंग है, मैंने पहले भीख मांगी थी, मेरे आंसू की कसम भीख देनी पड़ेगी। ओए
चुप करो भिखारियों।